बहुत ही जल्द होने वाली है विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी, लेकिन अपने बेटे विकी कौशल के शादी से पहले सामने आए विकी कौशल के पिता। जी हाँ, विकी कौशल के पिता पर बड़ा खुलासा। दरअसल बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने फिल्मों में एक्टिंग करने से पहले सपनों के शहर मुंबई में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था। एक्टर अनुपम खेर ने सन 1984 में महेश भट्ट की फिल्म सारांश में 64 वर्षीय व्यक्ति का किरदार निभाया था और इसी के साथ उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद बॉलीवुड में काफी लंबा सफर तय किया। अक्सर अपनी पुरानी यादों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं यहाँ पर अनुपम खेर, और फाइनली इस बार अनुपम खेर पहुंचे हैं अपने पुराने दोस्त के पास। अनुपम खेर ने अपने ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट पर मुंबई में 1980 के दशक का एक वाक्य शेयर किया, जिसमें अनुपम खेर ने बताया कि उन्होंने एक्शन निर्देशक श्याम कौशल के साथ एक बेहद ही प्यारा वक्त बिताया था। अनुपम खेर ने पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, कहानी 1982 में एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल जी और हम दोनों शास्त्री नगर शांता क्रूज में पड़ोसी थे। हम दोनों तीन और लोगों के साथ काम करते रहते थे। हम अपने सपनों को सच करने के लिए काफी मेहनत करते थे। उन्होंने आगे बताया कि कैसे कौशल हमेशा विनम्र रहते थे और उन्होंने खुलासा किया कि आलू के पराठे खाने के लिए उनसे मिलने गए थे। आपको बता दें कि यहाँ पर श्याम जी हमेशा विनम्र और दयालु टाइप के शख्स थे, जैसे कि वो अभी भी है जिंदगी में, वो काफी ज्यादा दयालु हैं। 39 साल बाद मैं अंधेरी में उनके 28वें मंजिल के बड़े घर पर आलू के पराठे खाने गया, जो उनकी दयालु और उदार पत्नी वीना जी द्वारा सफेद मक्खन के साथ स्वादिष्ट तरीके से बनाए गए और मुझे पेश किए गए। ये मेरे लंबे समय का काफी शानदार सुबह थी। आपको बता दें कि अनुपम खेर विकी कौशल के पिता श्याम कौशल के काफी खास और काफी पुराने दोस्त है, जिसका जिक्र खुद अनुपम खैर ने किया विकी कौशल के पिता को लेकर। तो ये है बड़ा सच और विकी कौशल के पिता और माता को लेकर खुलासा, जहां पर अनुपम खैर के साथ है उनकी काफी गहरी और अच्छी दोस्ती। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।